दूसरे चरण में बंपर वोटिंग के बाद बंगाल में सियासी उबाल है। बीजेपी ने दावा किया है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि दूसरी सीट तलाश रही है ममता दीदी। पीएम के बयान पर अब टीएमसी भड़क चुकी है। टीएमसी ने कहा कि वाराणसी से लड़ेंगी ममता दीदी, क्योंकि नंदीग्राम से कल ममता बनर्जी जिस तरीके की तस्वीरें उनकी लगातार सामने आई और दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो इसी सभा में उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसा कि देखिए ममता दीदी हार रही हैं और इसी वजह से दूसरी सीट की तलाश में जुटी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ कल बंपर वोटिंग हुई है तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से ये बौखलाहट ममता बनर्जी के सामने आ रही है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और अब देखिए क्या कहा है कि 2024 में वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में दीदी का खेला हो गया, दीदी को जीत का नया ठिकाना चाहिए। बंपर मतदान, ममता दीदी फिर परेशान। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 30 सीटों पर छिटपुट हिंसा के बीच पहले चरण की तरह बंपर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 80% से ज्यादा वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसी चरण में उस नंदीग्राम में भी वोटिंग हुई जहां से कभी आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी बंगाल के सियासी फलक पर एकदम से छा गई थी, और अब उन्हीं के करीबी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के टिकट पर उसी नंदीग्राम में उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आखिर बंपर वोटिंग का मतलब क्या है? पीएम मोदी की माने तो बंपर वोटिंग का मतलब दीदी गई। मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हार के डर से दीदी अब चुनाव लड़ने के लिए नई सीट तलाश रही है। जरा बताइए ये फॉर्म है कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया, अब कहीं और जाओगी ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी के बयान से देश में सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग छिड़ गई। पीएम मोदी के बयान के बाद टीएमसी ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी के किसी दूसरी सीट से लड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो नंदीग्राम में जीत रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो ट्वीट कर कह दिया, हाँ मिस्टर प्रधानमंत्री, वो लड़ेंगी और वो वाराणसी की सीट होगी, अपने हथियार तैयार कर लें। दीदी पीएम ने सही कहा है, दीदी दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जहां जाएंगी वहीं से हारेंगी। लेकिन जब वोटिंग चल रही हो उस समय देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार का बयान दें, इस प्रकार का घटिया बयान दें वोटिंग को प्रभावित करने के लिए, मैं समझता हूं कि इससे प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है और आगे प्रधानमंत्री को इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। 14 साल तक ममता के करीबी रहे शुभेंदु पिछली बार नंदीग्राम से 81,000 वोटों से जीते थे। इस बार वो इसी सीट से ममता के खिलाफ मैदान में। बीजेपी का दावा है कि बंपर वोटिंग शुभेंदु के हक में हुई है और दीदी चुनाव हार रही है। हार के इसी डर से वो परेशान है और चुनाव लड़ने के लिए दूसरी सीट तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें कि दूसरे चरण की बंपर वोटिंग से अब ममता बनर्जी घबरा चुकी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। और क्या आरोप लगाई है आपको बता दें, गृह मंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है ये ममता बनर्जी ने कहा है। सुरक्षा बलों पर भी ममता ने बड़े आरोप लगाए। टीएमसी के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने बड़े आरोप गृह मंत्री पर लगाए हैं। दीदी का शिकायती घोषणा पत्र तैयार है, ममता को मेरे बंगाल से शिकायत है, ममता को चुनाव आयोग से शिकायत है। बंगाल में चुनाव शुरू होने से पहले ममता दीदी जीत की हुंकार भर रही थी, लेकिन दो चरणों के चुनाव के बाद ही दीदी की हुंकार हड़बड़ाहट और घबराहट में तब्दील हो गई। पहले और दूसरे चरण की बंपर वोटिंग ने दीदी के कसबल ढीले कर दिए। हार की हताशा चेहरे पर परेशानी बनकर झलकने लगी। सवाल पूछने पर दीदी भड़कने लगी। আমি আপনাদের আবার বলি যে সকাল থেকে কয়েকটা জায়গায় আপনারা জানেন। बंपर वोटिंग इशारा कर रही है कि सत्ता विरोधी लहर दीदी का सिंहासन उखाड़ कर ही दम लेगी, इसीलिए दीदी अब हार के बहाने तलाश रही है, शिकायत पर शिकायत कर रही है।
दूसरे दौर की वोटिंग के बाद दीदी ने पूरा शिकायती घोषणा पत्र ही जारी कर दिया है। जरा देखिए दीदी को किस किस से शिकायत। दीदी को मतदान कर्मियों से शिकायत, दीदी को सुरक्षा बलों से शिकायत, दीदी को चुनाव अधिकारियों से शिकायत, दीदी को पूरे चुनाव आयोग से शिकायत। वो क्या करेगा बेचारा, वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन छुड़ेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पूरे का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन। दरअसल नंदीग्राम का संग्राम दीदी को तब तक आसान लग रहा था जब तक दीदी को उनके सियासी सलाहकारों ने ये तस्वीर नहीं दिखाई थी। दीदी ये मानकर बैठी थी कि भवानीपुर में उनकी गिरती साख नंदीग्राम बचा लेगा। वो तो नंदीग्राम के लोगों को बकायदा बोल चुकी थी कि वो चुनाव में नहीं आ पाएंगी क्योंकि उन्हें 294 सीटों पर प्रचार कार्यक्रम में व्यस्त रहना पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि दीदी को नंदीग्राम में ही कैंप करना पड़ गया। लेकिन उनका ये कैंप करना भी काम करता दिख नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि नंदीग्राम बंगाल में परिवर्तन की कहानी लिख ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।